पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री जब भी बोलते हैं या ये उपस्थित होते हैं, जैसे मछली में कांटा होता है ना, वैसे ही चुभता है राजद को एकदम डायरेक्ट, चुभते हैं मुकेश सहनी जी। हम इधर आ गए उधर सरकार बना ली, टॉक टाइम उनका खत्म हो गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने हमें पूछा कि शॉर्ट टाइम के लिए आपका रिचार्ज हुआ है, उनके तो हमेशा 5 साल के लिए टॉक टाइम उनका खत्म हो गया, ये इनको नहीं पता है। देखिए रिचार्ज की बात है तो हमको तो झारखंड से फोन आ जाता है कि आइए बनिया से रिचार्ज हम करते हैं और रखते हैं, लेकिन हम जहाँ है वहाँ संतुष्ट है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं, उन्होंने सदन में आज ऐसी बात कही। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई चल रही थी, सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे मुकेश सहनी, क्योंकि सवाल पूछा गया था पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से, आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह ने सवाल पूछा था, कई आरोप भी लगाए थे। ऐसे में मुकेश सहनी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो मुझे कहा था कि क्या आपका कूपन रिचार्ज करेगी बीजेपी, इशारों में पूछा तो था। जवाब यह है कि जनता ने उनका टॉक टाइम रिचार्ज नहीं किया है, 2025 तक टॉक टाइम उनका रिचार्ज होने वाला भी नहीं है। और जहां तक बात मेरी है, मुझे तो झारखंड से फ़ोन आते थे कि आपका रिचार्ज कर देते हैं। झारखंड में कौन है आपको पता है, पिछली बार भी लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो के नामों की खूब चर्चाएँ हुई थी जब बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने यह आरोप लगाया था, ऑडियो जारी किया था कि उन्होंने जेल से फ़ोन किया था जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था उस वक्त। ऐसे में मुकेश सहनी सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ कह रहे थे जिससे विपक्ष पानी पानी हो गया, जरा सुनिए। पोल्ट्री फार्म का भी निर्माण हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पे हम खास करके अति पिछड़ा और एससी एसटी हमारे भाई के लिए 90% तक हम लोग अनुदान देने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद 10, 20, 40 ये बोलने स्थापित करने के लिए फार्म का निर्माण हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, नए दूध प्लांट लगाने के लिए। आज हमारे कंफर्ट के जरिए हमारे बिहार में उठ जाते हैं इतना जल्दी। उसके बाद देख रहा हूँ कि पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री जब भी बोलते हैं या ये उपस्थित होते हैं, जैसे मछली में कांटा होता है ना, वैसे ही चुभता है राजद को एकदम डायरेक्ट, चुभते हैं मुकेश सहनी। एक्चुअली समस्या कहाँ पे है, एक्चुअली पहले तो वहाँ पे हम थे सरकार बनाने के लिए, उसके बाद उन्होंने पीठ में खंजर भोका, हम इधर आ गए उधर सरकार बना ली, टॉक टाइम उनका खत्म हो गया। अपने जब बोले तो उनके रह के अंदर आत्मा में टीस आ रहा है कि टॉक टाइम हमें तक खत्म हो गया। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने हमें पूछा कि शॉर्ट टाइम के लिए आपका रिचार्ज हुआ है, उनके तो हमेशा 5 साल के लिए टॉक टाइम उनका खत्म हो गया, ये इनको नहीं पता है। तो इसलिए वो भी आने वाले समय में देखिए आपकी समस्या कहाँ है ना, देखिए जहां तक रिचार्ज की बात है, रिचार्ज की बात है तो हमको तो झारखंड से फोन आ जाता है कि आइए बनिया से रिचार्ज हम करते हैं और रखते हैं, लेकिन हम जहाँ है वहाँ संतुष्ट है, हम मजबूती से है, नहीं झारखंड, मेरे पास सब डिटेल है। अब झारखंड से कहाँ है वो नहीं बताना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने सुना विपक्ष के सवालों पर जवाब भी वो दे रहे थे, लेकिन बीच में जब टोका टोकी हुई, नोकझोंक हुई विपक्ष के साथ सदन की कार्रवाई के दौरान अक्सर ये देखने को मिलता है, तो मुकेश सहनी ने भी हंसते हुए लहजे में ये जवाब दे दिया है। नीरज कुमार भी बीच में बोल रहे थे कि मुकेश सहनी की बातें मछली के कांटों की तरह चुभती है विपक्ष को। ऐसे में मुकेश सहनी ने हंसते हुए जवाब दिया है, क्या कुछ कहा आपने सुना है, तो क्या झारखंड से मुकेश सहनी को फ़ोन आते थे सदन की कार्रवाई के दौरान, उन्होंने कहा है ये बातें प्रोसीडिंग में भी नोट हुई होंगी। बहरहाल विपक्ष के सवालों का जवाब तो मुकेश सहनी ने दिया ही, साथ ही साथ एक गंभीर आरोप भी लगा दिया कि झारखंड से फ़ोन आता था उन्हें, क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद फ़ोन करते थे, उन्होंने कहा कि खुलकर बोलने को मत कहिए और भी कुछ कह देंगे। क्या कहते हैं वो तो खैर आगे भविष्य में और भी वो कुछ कहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।